तमिल फिल्मों के मैसूर गीतकार कबीलन की बेटी थुरीगाई का निधन हो गया। कहा जा रहा है कि उन्होंने आत्महत्या की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार को थुरीगाई अपने घर में फंदे से लटकती मिली। पुलिस ने खुदकुशी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। थुरीगाई के निधन पर तमिल सिनेमा की कई हस्तियों ने शोक व्यक्त किया है। बताया जाता है कि थुरीगाई काफी स्ट्रॉन्ग महिला थी, ऐसे में उनका खुदकुशी करना उनके शुभ चिंतकों और चाहने वालों के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। शुक्रवार को वह अपने कमरे में फंदे से लटकती मिली, जिसके बाद पुलिस ने उसकी बॉडी को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए शालिग्राम स्थित हॉस्पिटल भेज दिया। पुलिस ने थुरीगाई का मोबाइल फोन बरामद किया है। इसके साथ ही फैमिली मेंबर्स से पूछताछ कर खुदकुशी के सही कारणों का पता लगाया जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि थुरीगाई डिप्रेशन से जूझ रही थी, क्योंकि उनके पेरेंट्स लगातार उन पर शादी का दबाव बना रहे थे। कहा जा रहा है कि थुरीगाई किसी से प्यार करती थी और उनके पेरेंट्स इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दे रहे थे। आपको न्यूज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप भी थुरीगाई के फैन है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में RIP जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक जुड़े रहे कंट्री न्यूज के साथ। धन्यवाद।